पुदीना हाँ हाँ लैला पुदीना लैला पुदीना। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें आपने देख ही लिया होगा प्रीव्यू, क्योंकि प्रीव्यू मैंने डाल रखा है, आपने देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो इसी वीडियो का आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कैपकट एप्लीकेशन में। कैपकट एप्लीकेशन में आने के बाद आपको जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन में, मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है फिल्टर, या उसमें जो ले लो पुदीने का जो वीडियो लगता है वो सब, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना है कैसे। तो पहले ये वाली वीडियो जो 7 सेकंड की वीडियो अपनी दिखाई दे रही है ना, ले लो पुदीना, इसे आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद देख लो, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, इसे एक बार चला के देख लो, यही वाली वीडियो है। तो इसे हमें इसी वीडियो का हमें बनाना है, ले लो पुदीना का वीडियो। तो यहाँ से जो लास्ट में जो इसका लोगो दिखाई दे रहा है, इसे डिलीट कर दो। यहाँ आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको कुछ फ़ोटोज़ जो हैं ऐड करने होंगे। तो यहाँ से फ़ोटोज़ पे आओ, और यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। इसमें आपको 5 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है, 5 फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने फ़ोटो भी कर लिया सेट। अब इसके बाद इसे अच्छे से सेट कर लो, इसको अपने फ्रेम में, जो 9.16 का जो हमने फ्रेम बनाया है उसमें सेट कर लेते हैं अच्छे से इस फोटोज़ को सबको। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे करना क्या है। यहाँ इतना होने के बाद आपको जो है इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको यहाँ से म्यूजिक ऐड करना है हमें, ठीक है ना। तो अब हम म्यूजिक ऐड करके दिखाऊँगा कि कैसे म्यूजिक ऐड होगा। तो यहाँ ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर हमें करना है क्लिक। जब यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का आएगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो है, उसी में से हमें ऑडियो निकालना है। तो वो ऊपर वाली जो 10 सेकंड वाली वीडियो है ना, इस पे एक्सट्रैक्ट करूँगा, और यहाँ से म्यूजिक निकल चुका है। म्यूजिक निकलने के बाद हमें इन सारे फ़ोटोज़ को जो है सेट कर लेना है 0.4 सेकंड पे। पाँचों फ़ोटो को जो है 0.4 सेकंड पे सेट कर लेने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये 5 फ़ोटो अपने सेट हो गए 0.4 सेकंड पे। इसके बाद आपको जो ये म्यूजिक का इधर थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे डिलीट कर दो कट करके। उसके बाद देख लो, अपना आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको लगाने हैं अभी एनिमेशन इन सारी फ़ोटोज़ में। तो यहाँ से आ जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन में आने के बाद कॉम्बो में आना है। कॉम्बो में आने के बाद आपको यहाँ पर पेंडुलम 1 करके आपको दिखाई देने वाला है। ये देख लो, ये रहा पेंडुलम 1। तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है, और 5 फ़ोटो में पेंडुलम 1 ही लगा देने हैं। तो जैसे कि मैं 5 फ़ोटोज़ में पेंडुलम 1 लगा देता हूँ, आप देख लो। तो यहाँ से पेंडुलम 1 5 फ़ोटोज़ में लग चुके हैं। इसके बाद अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने को लगाना है अब इफ़ेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा इफ़ेक्ट लगेगा तो और अच्छा दिखेगा वीडियो। तो वहाँ पे इस साइन पे आके यहाँ पे इफ़ेक्ट वाले पे आना है। इफ़ेक्ट वाले पे आने के बाद आपको मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। देख लो, जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग वगैरह दिखाई दे रहा है, तो ये रहा मोड। मोड में आओगे ना, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही आपको कर लेना है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है इसको। तो यहाँ से इसी वाले ऑप्शन को हर एक फ़ोटो के सामने सेट कर देना है। तो ये देखो, सेट कर दिया। इसके बाद आपको कॉपी करते जाना है, ये लाइन बाय लाइन सेट होते जाएगा। तो नीचे कॉपी का ऑप्शन दिया है, यहाँ से कॉपी करके 5ों पे सेट कर लो। यहाँ सेट करने के बाद आपकी वीडियो बन चुकी है। ऊपर से एक्सपोर्ट कर लो, और लगा करके अपना वीडियो रील वायरल कर दो। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।